नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज जो हम हैक करने वाले हैं वो अपना हो जाता है उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, जेल बॉर्डर फायरमैन, घुड़सवार आरक्षी, जो आपका एग्जाम हुआ था 20 दिसंबर 2020 के लिए। कौन सा? 20 दिसंबर 2020 के लिए प्रथम पाली में जो आपका एग्जाम हुआ था उसका हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, हिंदी को हैक करने वाले हैं कि हिंदी में आपके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, ये हमारी प्रथम पाली जो हो जाती है उसके अंतर्गत 37 क्वेश्चन पूछे गए थे और लेवल आप देख सकते हो क्या लेवल था। तो आपको 2022 जो आने वाली है वैकेंसी, ठीक है, जो 2022 वाली जो वैकेंसी आने वाली है उसमें आपको क्या प्रिपरेशन करना है तो वो आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं हिंदी, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। हाँ भाई, जो फर्स्ट क्वेश्चन अपना हो जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिएगा ध्यान से। इन क्वेश्चनों को जो 37 क्वेश्चन है इनको आपको देखना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? देखना ही पड़ेगा। बढ़ते हैं भाई क्वेश्चनों की ओर। तो बात करते हैं यहां पर क्वेश्चन की। जो फर्स्ट क्वेश्चन अपना हो जाता है वो जाता है किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। देखो, साहित्य अकादमी पुरस्कार से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं तो भाई 2022 में आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार सब याद करने पड़ेंगे। तो बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो वो अपनी हुई थी 1955 में। कितने भाई? 1955 में हुई थी। और मिलता क्या है? 1,00,000 रुपए मिलते हैं और एक शॉल मिलती है और आपको एक पत्र मिलता है। ठीक है, तो यहां पर आपको मिलने वाला है ये चीज। ठीक है, तो ये आपको याद करनी पड़ेगी सारी की सारी। 1955 में स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले मिला था किसके लिए? माखनलाल, सॉरी, हिम तरंगड़ी को मिला था। किसके लिए मिला था भाई? हिम तरंगड़ी को मिला था माखनलाल चतुर्वेदी के लिए। ठीक है, तो ये तो आपको याद ही होगा। तो यहां रखा है किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया, तो वो कौन सा हो जाता है? वो हो जाता है 1962 में। सन 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। ठीक है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उसके विलोम शब्द की सही जोड़ी नहीं है? तो विलोम शब्द की कौन सी सही जोड़ी नहीं है ये देखा है। देखो, डिफिकल्ट देखे हैं सबकी सब, जो कि आपको कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसे देखा है राग का विराग, बिल्कुल सही होता है भाई, राग का विराग होता है। व्यष्टि का समिष्टि, बिल्कुल सही, व्यष्टि का समिष्टि होता है। ठीक है, व्यष्टि का समिष्टि होता है, उसी प्रकार से व्यष्टि का समिष्टि भी हो जाता है। बात करते हैं बच्चा का, नहीं बच्चा का कौन दिया भाई? बूढ़ा होना चाहिए बच्चा का, है ना, तो यही क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। और उत्तम का अधम होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा जो गलत है, मतलब क्या, कौन सा नहीं होगा, तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चा का बूढ़ा होना चाहिए, जवान नहीं होगा। तो इस प्रकार से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है, निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु योगीन नहीं है? देखो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन दे रखा है, अब आपको डीपली क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। रखा है भारतीय योगीन कौन सा नहीं है भाई, आपको यहां पर बताना है। तो देख सकते हो आप, बिल्कुल, तो यहां पर आप देख सकते हो कौन सा नहीं हो जाता है। तो जो श्रीधर पाठक है, श्रीधर पाठक है, ये भारतेंदु योगीन नहीं है। तो क्वेश्चन आप देख सकते हो क्या लेवल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो बात करते हैं बद्रीनाथ चौधरी जो हो जाते हैं प्रेमघन, ये भारतेंदु हो जाएंगे। ठाकुर जो जगमोहन सिंह है, ये भी भारतेंदु योगीन है। और पंडित अंबिकादत्त व्यास जो है, ये भी भारतेंदु योगीन हो जाते हैं। पूछ रखा है कौन सा नहीं है, बहुत डीपली क्वेश्चन पूछेगा इस बार आपसे, तो आपको तैयारी बहुत ही मजबूत करना पड़ेगी हिंदी में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखो प्योधी, सिंधु और बारिश किसके पर्यायवाची हैं? ये तो खैर इजी रखा है। देखो बात करते हैं प्योधी, प्यो माने अपना हो जाएगा पानी, प्योधी मतलब बहुत सारा, तो क्या हो जाएगा? समुद्र, सिंधु समुद्र का और बारिश भी समुद्र का होता है। तो तीनों के तीनों किसके हैं भाई? बारिश है, बारिश, ध्यान से देखना, बारिश। ठीक है, तो किसके हैं? समुद्र के पर्यायवाची यहां पर हो जाते हैं। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द आपको चूज करना है। देखा है अभिषेक डैश घर चला गया, किसके घर चला गया? अपने घर चला गया, अपने आप घर चला गया, या फिर हो जाता है इस घर चला गया, उस घर चला गया। राइट आंसर क्या होगा भाई? अभिषेक डैश घर चला गया, अभिषेक किसके घर चला गया ये होगा, या फिर अभिषेक अपने आप घर चला गया। तो अच्छा कौन सा लग रहा है भाई? ऑप्शन नंबर बी, अभिषेक अपने आप घर चला गया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया था, बताएगा भाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सिक्स क्वेश्चन। देखो बात करते हैं व्यास सम्मान की, ठीक है, व्यास सम्मान की बात करते हैं, तो व्यास सम्मान कह रहा है यहां पर 2019 में किसे प्रोवाइड हुआ है। ठीक है, तो वो हुआ था किसके लिए? नासिरा शर्मा के लिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ममता कालिया को कब मिला था?
2017 में मिला था ममता कालिया के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाशीरा शर्मा। देखो व्यास सम्मान आपको पूछ रहा है तो ये भी आपको याद करने पड़ेंगे, डेट भी इनकी याद करनी पड़ेगी, ठीक है। आगे देखिएगा, रेखा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है, तो तत्सम तथा बहुत कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन होते हैं, तो रेखा है उज्ज्वल, इकट्ठा, अंबल या फिर उपरोक्त, तो तत्सम कौन सा है ध्यान से देखिएगा, अब तक आपने लगा लिया होगा इसका, ठीक है। तो जो उज्ज्वल है, उज्ज्वल का क्या होता है उजला, है ना, क्या होता है भाई उजला होता है, ध्यान से रखना, तो उज्ज्वल का उजला होता है तद्भव, तो यहां पर तत्सम कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, इकट्ठा नहीं होगा। यहां पर जो चंद्रबिंदी होती है वो क्या होते हैं तद्भव होते हैं, और उपरोक्त तो है ही, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेगा, रखा है वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं, जो वाक्य में काम करता है, जैसे राम घर जाता है, तो काम कौन कर रहा है भाई, राम कर रहा है, और राम कौन हो जाता है, राम हो जाता है अपना कर्ता, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वाक्य में काम करने वाला को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, कर्ता कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट रेखा है निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनना है, खाली स्थान के लिए सही शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। पहले देखा है गिलास डैश तोड़ा, गिलास डैश तोड़ा, तुमने तोड़ा, उसने तोड़ा, किसने तोड़ा, इसने तोड़ा, राइट आंसर क्या होगा, गिलास तोड़ा, तुमने, उसने, किसने या फिर इसने, तो गिलास किसने तोड़ा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा यहां पर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पुरुषोत्तम अग्रवाल को उसकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान दिया गया है, ये देखिएगा कितना डीपली क्वेश्चन पूछ रखा है, ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूं किसी का भी सही नहीं गया होगा, ठीक है। तो ये कौन हो जाते हैं आपको बताना है, इनकी कौन सी रचना हो जाती है पुरुषोत्तम अग्रवाल जी की, तो वह हो जाती है कौन सा, विचार का अनंत, तीसरा रुख, संस्कृति, वर्चस्व और प्रतिरोध, याद रखा है अकत कहानी प्रेम की, कबीर का कविता और उसका समय, तो यहां पर कौन सा बिल्कुल राइट होगा, तो वह हो जाएगा तीसरा रुख, तीसरे रुख के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया है, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो कैसे क्वेश्चन यहां पर पूछे जा रहे हैं आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट रखा है लोकोक्ति और उसके सही अर्थ वाले जोड़े का विकल्प आपको पहचानना है, कौन सा रहने वाला है बिल्कुल सही, तो रखा है चित भी मेरी पट भी मेरी, दोनों ओर से लाभ ही लाभ, बिल्कुल सही, ये तो बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसका यही रहने वाला है। फिर रखा है चोर की दाढ़ी में तिनका अपराधी भयभीत रहता है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी सामने ही दे रखा है, आगे देखो अर्थ बिल्कुल सही दे रखा है। नेक्स्ट बात है नाचना आबे आंगन टेढ़ा, अयोग्यता का दोष दूसरों को देना, बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सेम ही मुझे लग रहा है, ये भी बिल्कुल राइट दे रखा है। आगे देखते हैं, ये दे रखा है नेकी कर दरिया में डाल, भला करके भूल जाना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है, सामने बिल्कुल सही अर्थ दे रखा है। तो यहां पर बिल्कुल सभी सभी के बिल्कुल राइट दे रखें, ए का ए होगा, बी का बी होगा, थ्री का सी होगा और फोर का डी होगा, ये अच्छा क्वेश्चन था और इजी भी क्वेश्चन हो जाता है ना, ये तो सभी ने का बिल्कुल सही गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये रखा है निंदा का विलोम शब्द है, निंदा का विलोम शब्द क्या होगा, स्तुति, राग, द्वेष या फिर हो जाता है सम्मान, तो सम्मान का अपमान हो जाएगा, है ना, सम्मान का अपमान, राग का विराग या राग का द्वेष भी होता है, राग का द्वेष भी होता है, द्वेष का राग भी होता है, तो यहां पर निंदा का विलोम क्या होगा, निंदा का विलोम हो जाएगा स्तुति, कौन सा, स्तुति, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया जिनमें यह भाषा शामिल नहीं है, कौन सी भाषा शामिल नहीं है यह आपको यहां पर बताना है, कौन सी अनुसूची हो जाती है, तो वह हो जाती है आठवीं अनुसूची में, किसमें भाई, आठवीं अनुसूची में से शामिल किया गया है। फिर दे रखा है अपना 22 भाषाओं की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, कौन किसको नहीं दिया गया है, ये रखा है मैथिली, मणिपुरी, बोडो या फिर भोजपुरी, तो किसको नहीं दिया गया है, तो वो अपनी हो जाती है भोजपुरी को, किसको, भोजपुरी को शामिल नहीं किया गया है 22 भाषाओं में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं, जैसे कि राम पेड़ लगाता है, तो लगाता क्या है भाई, पेड़ लगाता है, तो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता है, पेड़ पे, और पेड़ यहां पर क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, पेड़ क्या हो जाएगा, कर्म,
तो जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं, उसे कर्म कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। अपादान जहां मतलब जहां आपको अलगाव देखने को मिले, जैसे देखा है श्याम का घर पेड़ से गिर पड़ा, या कुर्सी से नीचे, या देखा है आरी से काटो। तो यहां पर देखा है अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है, किसमें, जहां पर आपको अलगाव देखने को मिले, है ना। तो पेड़ से गिर पड़ा, जो पेड़ से गिर पड़ा है उसमें जो सेव व्यक्ति देखने को मिल रही है वो क्या है, अपादान कारक व्यक्ति हो जाती है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करना है आपको, ठीक है। क्या करना है भाई, सही वाक्य की पहचान करना है। तो वाक्य आपके पास में है, वाक्य आपके सामने आ जाते हैं, तो इनको देखना है कौन सा बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या बताना है भाई, सही बताना है। तो पहले देखा है मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा, फिर मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊंगा, मैं रविवार दिन को तुम्हारे घर आऊंगा, कौन सा राइट होगा भाई, मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊंगा, मैं रविवार दिन तुम्हारे घर को घर आऊंगा, ये तो बिल्कुल गलती हो जाएगा। तो तीन में से आप देख सकते हो कौन सा राइट होगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊंगा, ये भी थोड़ा टीवी का लग रहा है तो ये भी छोड़ दीजिएगा। इन दो को देखो, मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा या फिर मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, कौन सा बिल्कुल अच्छा लग रहा है पढ़ने में, मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा या फिर मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल अच्छा लग रहा है पढ़ने में और सिंपल वाक्य है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा यहां पर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करना है। सही वाक्य कौन सा है, यहां पर भी आपको सही ही वाक्य देखना है। देखा है वह आज जाने की मैं कैसी जी रहा हूं, वह क्या जाने की मैं कैसे जी रहा हूं, वह कैसे जाने की मैं कैसे जी रहा हूं, वह क्या जाने की मैं कैसे जी रहा हूं, वे क्या जाने की मैं कैसे जी रहा हूं। राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है, वे क्या जाने की मैं कैसे जी रहा हूं, ये तो गलती दे रखा है। फिर वह क्या जाने की मैं कैसे जाने, ये गलत दे रखा है, जाने नहीं होगा, अंक की बिंदी तो वैसे ही नहीं होंगी, ये दोनों तो वैसे ही गलत हो जाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, वह क्या जाने की मैं कैसे जी रहा हूं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा यहां पर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट रखा है विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा होगा, किसके लिए, विरोधी पक्ष के लिए, यहां पर आपको बताना है। पहले देखा है पक्षपाती, विपक्षी, पक्षघाती या पर द्विपक्षी, राइट आंसर क्या होगा, विपक्षी के लिए क्या कहोगे आप बताइएगा, विपक्षी के लिए आप क्या कहने वाले हो। देखो बात करते हैं पक्षपाती, जो किसी का पक्ष का समर्थन ले, है ना, पक्षपाती हो गया। विपक्षी मतलब विपक्ष का, विरोधी का पक्ष का, कौन हो जाएगा, विपक्षी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अपना रहने वाला है यहां पर, बिल्कुल राइट, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट रखा है बध उत्सव का संधि विच्छेद रूप कौन सा होगा, बध प्लस उत्सव, बध प्लस उत्सव, बधु प्लस उत्सव या फिर बधौ प्लस उत्सव, राइट आंसर क्या रहने वाला है और कौन सी संधि है ये बता दीजिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं, पहले देखा है बध प्लस उत्सव होगा, नहीं, ना ही बध प्लस उत्सव होगा, मूल शब्द क्या होता है, बधू, अपने आप में मूल शब्द क्या होता है, बधू, प्लस क्या हो जाएगा, उत्सव बनेगा क्या, बहुत्सव, ठीक है, बधुत्सव। यहां पर बड़ा ऊ इधर से आ रहा है और प्लस ऊ यहां से, तो बन क्या रहा है, बड़ा ऊ बन रहा है, और बड़ा ऊ किसमें आता है, ये दीर्घ स्वर संधि है, कौन सी, दीर्घ स्वर संधि अपनी हो जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपना सी, बिल्कुल इजीली। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है। तो संधि विच्छेद का गलत उदाहरण आपको देखना है, महा प्लस ओज महोज, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, महा प्लस ओज महोज, आ प्लस आ बराबर बनेगा औ, और औ किस में आ जाएगी, वृद्धि संधि में, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही दे रखा है। फिर देखो पौ प्लस अक बराबर हो जाएगा पावक, है ना, पौ प्लस अक बराबर पावक, औ प्लस आओ बनेगा क्या, आयादी संधि हो जाएगी यहां पर, ठीक है, ये भी राइट है। पौ प्लस एक पौक पाइक, ठीक है, नौ प्लस एक नायक होगा, नायक, ठीक है, नायक बन जाएगा यहां पर, तो ये भी कौन सी हो जाएगी, ये भी अपनी आयादी संधि ही रहने वाली है, ठीक है। और बात करते हैं यहां पर परो प्लस उपकार होगा क्या, बिल्कुल नहीं, पर प्लस उपकार होता है, क्या होता है, पर प्लस उपकार होता है, तभी तो क्या बनेगा, आ प्लस उ बराबर ओ बनेगा, आ प्लस उ बराबर ओ बनेगा, और ये किसमें आ जाएगी भाई, ये आ जाएगी अपनी, सॉरी, ये किसमें आ जाएगी, गुण संधि में आ जाएगी, है ना, अर बनता है गुण संधि में,
यण संधि में या वारा, ठीक है। हाँ ये क्या हो जाएगी, ओपनी आती है किसमें, गुण संधि में। तो जो पर प्लस उपकार बराबर क्या बनेगा, परोपकार, ये गुण संधि हो जाएगी। और यहां पर नहीं होना चाहिए था, पर होना चाहिए था, तो यही क्या हो जाएगा अपना, गलत हो जाएगा। गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रखा है अपना 9 प्लस 1 बराबर नायक बनेगा यहां पर, नायक, ठीक है, आय बन जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगी, आयादि संधि हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से आगे देखते हैं, फिर देखा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है। तो तत्सम और तद्भव जोड़ी का सही विकल्प कौन सा नहीं है, ये चूज करना है। तो देखो, सूत्र, सूत, हस्त, हाथ, ये सही है। चक्र, गोला, फिर देखो ग्राहक, गाहक, ये सही है। अब इन दो में कंफ्यूजन मुझे हो रही है, दो में देखो, सूत्र, सूत, और चक्र, गोला। चक्र का गोला, चक्र गोला, 21 में कुछ कंफ्यूज हो रहा है ना, नहीं, चक्र का गोला नहीं, गोला तो नहीं होगा, गोला नहीं होगा। देखो सूत्र का सूत बिल्कुल सही है, ठीक है, सूत्र का सूत सही है। चक्र का चक्का हो जाएगा, हाँ भाई, चक्र का क्या होने वाला है, चक्र का होने वाला है तद्भव चक्का, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला जो हो जाएगा वो बिल्कुल गलत रहने वाला है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रखा है सुधी, मनीषी, बुध, निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं। सुधी, मन से बिल्कुल शुद्ध हो, मनीषी, मन से बिल्कुल शुद्ध, बधु, बुध, बुध है ना, मन से बिल्कुल शुद्ध एक प्रकार से साफ। तो रखा है सुधी, मनीषी, बुध, निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं, पंडित के, धनी के, पति के, या फिर अपना हो जाता है गुरु के। तो राइट आंसर क्या होगा, देखो बात करते हैं पंडित, ठीक है, यह हम किसके देखने वाले हैं भाई, पंडित, क्योंकि पंडित यहां पर राइट होगा। सुधी, मनीषी और जो बुद्ध है, ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे भाई, पंडित के अपने रहने वाले हैं। धनी के कौन कौन से हो सकते हैं, धनवान हो गया, ठीक है, और धनाढ़य हो गया, मालदार, दौलतमंद, पैसे वाला, है ना, ये सारे के सारे किसको जाएंगे। पति की बात करते हैं, पति बहुत इंपॉर्टेंट है, पति का एक तो हो जाता है भर्ता, है ना, कि भर्ता बना दिया भाई, और फिर दूसरा होता है बल्लभ, ये पति के तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके तो याद ही करना है आपके लिए, बल्लभ हो जाते हैं, ठीक है। और स्वामी, देखो कुछ ही याद करने को होंगे, बाकी सब याद हो जाएंगे। नाथ, और क्या हो जाएंगे, आर्य पुत्र, ठीक है, आर्य पुत्र, और हो जाता है ईश, कैसे याद करेंगे, ईश, ईश मतलब ईश्वर, कहते हैं ना पति को ईश्वर भी कहा जाता है, तो ईश हो गया। आर्य पुत्र, पुत्र आ, कौन बुला रहा है, उसका पिता, ठीक है, तो यहां पर भी पिता हो जाएगा। नाथ तो कहते ही हैं, स्वामी भी कहते हैं, और भर्ता, भर्ता कौन मनाती है, पत्नी अपने पति का, तो यहां पर भर्ता भी याद हो गया आपके लिए। एक बच जाता है बल्लभ, जो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं गुरु, गुरु के पर्यायवाची कौन हो जाए, अध्यापक है, शिक्षक है, आचार्य है, विद्वान है, और कोविद जो होगा उसको आपको याद करना पड़ेगा। कोविद किसका होता है, गुरु का ही होता है, ठीक है, ये बन सकता है आपके एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ है। रखा है आसान काम, हरियाली छान छाना, ठीक है, या फिर खुश होना, आर्य सिद्ध होना, कार्य सिद्ध होना, सॉरी कार्य सिद्ध होना। राइट आंसर क्या होगा, बाग बाग होना, भाई बहुत ही खुश है बंदा, है ना, मतलब खुश होना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अवधि बोली का अन्य नाम क्या होगा। देखो कैसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा है, टिपिकल क्वेश्चन है, पढ़ा भी नहीं होगा आपने। देखो अवधि बोली का अन्य नाम क्या होता है, कौसली, बनाफरी, बैगानी, या फिर मघेसी। तो अवधि बोली का जो अन्य नाम है वो कौन सा है, कौसली है, कौन सा, कौसली, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा यहां पर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्न उपन्यासों में कौन सा मृदुल गर्ग द्वारा रचित नहीं है, मृदुला गर्ग द्वारा कौन सा रचित नहीं है, ये आपसे पूछ रखा है। देखो कितना डिफिकल यहां पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो 2022 हल्के मत लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन पूछेगा वहां पर भी, ठीक है। तो मृदुला गर्ग जो है वो रचित नहीं है, मृदुला गर्ग द्वारा कौन सा रचित नहीं है आपको बताना है। पहले देखा है उसके हिस्से में धूप, फिर रोगिन रुकोगी नहीं राधिका, चित कोबरा, मैं और मैं। तो यहां बात करते हैं मृदुला गर्ग का, देखो उसके हिस्से की धूप ये भी है, और रुकोगी नहीं राधिका ये नहीं है, चित्त कोबरा भी इन्हीं की है, और मैं ये भी किनका है, इन्हीं का ही हो जाता है, ठीक है। और बात करते हैं, और जो अपना होता है रुकोगी नहीं राधिका, ये किसका है, ये अपने हो जाता है उषा, उषा
प्रिय बंदा का, किसका? उषा प्रिय बंदा जी का हो जाता है ये, रुकोगी नहीं राधिका, यही इनका नहीं है। देखो बहुत टिपिकल क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे आपके एग्जाम में, ठीक है, तो इसे हल्के मत लीजिएगा और सारा की सारा जितना है सबको अच्छी प्रकार से देख लीजिएगा, क्योंकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनेंगे भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं 2022 में। देखा है, निम्न में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद्र की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया था? किसके लिए प्रदान किया गया था? प्रेमचंद की कहानियों की कला क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान दिया गया था, किसके लिए, ये यहां पर आपको देखना है। पहले रखा है गोपेश्वर सिंह, वीर भारत तलवार, या फिर हो जाता है कमल किशोर गोयनका, या अपना हो जाता है वीरेंद्र यादव। तो राइट आंसर क्या होगा? कमल किशोर गोयनका, ठीक है। तो यहां पर आपको देखना है प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रम अनुसार अध्ययन, तो ये किसका है? ये है ऑप्शन नंबर सी, इन्हें व्यास सम्मान दिया गया था कमल किशोर गोयनका के लिए। किसे? कमल किशोर गोयनका के लिए 2014 में। कब दिया गया था भाई? 2014 में व्यास सम्मान ने दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो व्यास सम्मान से भी आपके एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो असुर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? निशाचर, निशा मतलब रात और चर माने घूमने वाला, रात में घूमने वाला असुर, बिल्कुल सही। धनुष तो होगा ही, ठीक है, राक्षस भी हो जाएगा, मगर महाकाय नहीं होगा। क्या? महाकाय नहीं होगा। महाकाय किसका होता है? गणेश जी का होता है महाकाय, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी यहां पर नहीं रहने वाला है और यही हमारा राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखा है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव बताना है, ध्यान से देखना है। पहला दे रखा है विकार, दंड, कोकिला, नींद, तो कौन सा होगा? तद्भव। तो तद्भव में आपको अंकी बिंदी देखने को मिलती है, तो यहां पर नींद में आपको देखने को मिल जाएगी, यही हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो, देखो पहले कभी ना हुआ हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? अभूतपूर्व, भूतपूर्व, अनाकी या फिर अद्वितीय। राइट आंसर क्या होगा? इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो को व्यक्त करने के लिए एक शब्द कौन सा है? वो हो जाएगा अभूतपूर्व। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट रखा है मातरंड, अर्क और अंशुमाली, निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? रोशनी, चंद्र, सूर्य या फिर रेखा। तो राइट आंसर क्या होगा? देखो बात करते हैं मातरंड, ये किसका है? सूर्य का। अर्क भी सूर्य का है और अंशुमाली भी किसका है? सूर्य का। तो ये पर्यायवाची किसके हो जाएंगे? सूर्य के पर्यायवाची रहने वाले हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट देखो, मैं भंगी हूं आत्मकथा के लेखक हैं, मैं भंगी हूं आत्मकथा के लेखक कौन है? सूरजपाल चौहान, मोहनदास नैमिसराय या फिर भगवान दास, ओम प्रकाश वाल्मीकि। राइट आंसर क्या होगा? मैं भंगी हूं आत्मकथा के लेखक कौन है? ये हो जाते हैं भगवान दास। देखो भाई आप देखो तो क्या पूछ रहा है एग्जाम में, है ना, कहां से पूछ रहा है ये भी आप देख सकते हो। इसमें तो 30, ठीक है, 30 बंदा पहुंचा तो बहुत है, 30 तो कर जाएगा, खैर इतना तो कंफर्म है अगर पढ़ जाएगा तो, मगर 35 बहुत मुश्किल क्वेश्चन इसमें करना है 37 35 जो कर लेगा ना वो तो बात ही अलग है उसकी। तो बात करते हैं मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार हैं, जो मलबे का मालिक है उस कहानी के कहानीकार कौन है ये देखना है। राजेंद्र यादव, मोहन राकेश या हो जाता है कमलेश्वर निर्मल वर्मा। तो मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार कौन है? ये अपने हो जाते हैं निर्मल वर्मा जी। ये भी देखो कितना अलग, कितना बाहर से क्वेश्चन पूछ रहा है ये, ठीक है, आप देख सकते हो। आगे देखते हैं, अब देखा है निर्देश प्रश्न संख्या 33 से 37 तक निम्नलिखित अनुच्छेदों को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देना है, ठीक है। तो यहां पर आपको पग्घांस देखने को मिलने वाला है, तो इसे हम थोड़ा सा छोटा करते हैं जो कि आपको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है, ठीक है भाई। तो पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चनों को देखें, क्योंकि यह क्वेश्चन सॉल्व होते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन देखकर, तो क्वेश्चन को देखते हैं उसके बाद हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है अपना, थोड़ा छोटा और करना पड़ेगा क्या, देखते हैं, कोई बात नहीं, बिल्कुल आराम से दिख रहा है। क्वेश्चन है अपना
अतीत के विषय में, क्वेश्चन देखो 33 से स्टार्ट होगा, अतीत के विषय में जानने की लालसा कब और बढ़ जाती है? तो अतीत के विषय में जानने की लालसा कब और बढ़ जाती है? यहां पर आप देख सकते हो अतीत के विषय में कहां देखने को मिलेगा, अतीत, ठीक है, अतीत देखो कहां पर है, बिल्कुल ये देखो अतीत देखने को मिल गया। अतीत के विषय में जानने की हमारी लालसा और बढ़ जाती है कब? हमारे यहां के विद्वान पुनर्जागरण पर ही इतना अधिक ध्यान देते हैं कि यदि हम उसे पढ़ें तो अतीत के विषय में, बिल्कुल सही, मतलब विद्वान पुनर्जागरण पर, ठीक है, विद्वान पुनर्जागरण पर यहां पर होना चाहिए। देखो देखा है भारतीय विद्वानों में पुनर्जागरण संबंधी विचारों को पढ़कर, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हो गया ना। आगे देखो नेक्स्ट देखा है जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया था? तो देख सकते हैं जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया था, यहां आप देखिएगा जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया था। अच्छा अभी देखते हैं जूता था माला देखिएगा, ठीक है, तो कहां देखने को मिला हमें, देखो जूता यहां देखने को मिल गए, जूते की माला से स्वागत किया गया था किसका, दयानंद जी का, किसका, दयानंद जी का, देखो यहां पर दयानंद कहीं देखे हैं, बिल्कुल सही, तो यहां पर दयानंद जी का जूतों से स्वागत किया गया था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बाद में कौन सी संस्था अत्यधिक पुरातन पंथी हो गई, है ना, अत्यधिक पुरातन पंथी हो गई, पुरातन पंथी देखो कहां दे रखा है, पुरातन पंथी देखना है, यहां नहीं मिला, आगे देखते हैं पुरातन पंथी, इसमें देखो कहीं है पुरातन पंथी, यहां देखो पुरातन पंथी हो गया, तो बाद में ब्रह्म समाज भी अत्यधिक पुरातन पंथी हो गया, बाद में ब्रह्म समाज जो था वो अत्यधिक पुरातन पंथी हो गया, कहां देखा है, यहां देखो अत्यधिक पुरातन पंथी हो गया, कौन, ब्रह्म समाज, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रखा है अपना ब्रह्म समाज के संदर्भ में असत्य कथन है, तो इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा पहले, ठीक है, रखा है बाद में बहुत सारे ब्रह्मासबाजी मार्गदर्शवादी हो गए थे, चलो ठीक है। आगे देखते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, ब्रह्म समाज जो है इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, बिल्कुल नहीं, किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी, ठीक है, तो यहां पर यही गलत हो जाएगा, यही पूछ रखा है असत्य कौन सा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सॉरी बी हो जाएगा यहां पर, ये हमारा गलत है, ये तो बिल्कुल आप देख के ही ऑप्शन लगा सकते थे। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इतना हार्ड नहीं देगा, क्योंकि बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हार्ड कथन नहीं देगा आपके लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा विद्वान शास्त्रार्थ में हरा दिया गया था, तो शास्त्र देखते हैं आपको कहां पे देखा है, ठीक है, देखो कहीं देखने को मिला शास्त्र, ठीक है, यहां देखो देखा है तुम्हारा शास्त्रार्थ में हरा दिया गया था, किसे, दयानंद जी के लिए, यहां पर भी दयानंद जी के लिए हराया गया था, तो निम्न में से कौन सा विद्वान शास्त्रार्थ में हरा दिया गया था, कौन, दयानंद जी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहां पर हमारे सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट आते हैं, हमने 37 क्वेश्चन यहां पर देखे, आपके 30 क्वेश्चन है या नहीं कमेंट बॉक्स में लिख के देना है, ठीक है, और आप देख सकते हो कहां कहां से क्वेश्चन जेल बॉर्डर में आपके पूछे गए थे, जेल बॉर्डर घुड़सवार फायरमैन में बहुत ही अच्छा लेवल पूछा गया था, जो आपको एसआई में भी देखने को नहीं मिला है, ठीक है, जो आपको एसआई में भी देखने को नहीं मिला है, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम होता है, तो एग्जाम जो बनाता है वो हार्ड क्वेश्चन बनाता है, इस बार में आपको 2022 में भी हार्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स मैं यहां पर देने वाला हूं आपके लिए जेल बॉर्डर फायरमैन घुड़सवार इनके सारे के सारे प्रैक्टिस सेट जितने भी आपके सॉरी एग्जाम हुए हैं सबको यहां पर देने वाला हूं, सब पेपरों को हैक करने वाले हैं, 2018, 2019, 2020 जिसमें आपके एग्जाम हुए हैं सबको देखने वाले हैं, और जो 2020 में आपको मतलब देख सकते हैं जो अपनी हुई थी एसआई का जो एग्जाम हुए हैं उनकी सारी शिफ्टों के हम जो हिंदी के होते हैं सबको देखने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं। तो इतना अगर आपने कवर कर लिया तो समझ लेना कि आपका 37 में से 33 के करीब में तो आपको बस यहीं से मिल जाएंगे, सिर्फ पेपर आपका देख लोगे कंटिन्यू तब, ठीक है, 33 प्लस आपको यहीं से मिल जाएंगे, जो 4 से 5 क्वेश्चन बचते हैं उनके लिए आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन करना पड़ेगा, जैसे कि रचनाएं हो जाती हैं, ठीक है, इनको आपको देखना है, सम्मान हो जाते हैं इनको आपको देखना पड़ेगा, अदरवाइज बाकी आप कंटिन्यू बनेगा, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना, जो कि इसी प्रकार की वीडियो आपके घर पहुंचे। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत।